स्वागत है आपका एक्सप्लेन गुरु में। आज हम आपको स्लम्बरलैंड मूवी की पूरी कहानी सुनाएंगे। कहानी की शुरुआत में हमें निमो नाम की एक छोटी लड़की दिखाई गई है। वह अपने पिता के साथ एक लाइट हाउस में एक छोटे से द्वीप में रहती थी। उनका घर एक लाइट हाउस था। निमो को यह जगह बहुत अच्छी लगती थी। एक दिन निमो के पापा उससे कहते हैं कि अगर तुम मेरे एक सवाल का सही जवाब दोगी तो मैं तुम्हें इस लाइट हाउस की चाबी दे दूंगा। उसके पिता उससे पूछते हैं कि लाइट हाउस क्यों बनाया जाता है। तब निमो जवाब देती है कि जहाजों की दिशा का पता लगाना, उन्हें सही रास्ता बताना और मुसीबत में उनकी मदद करना। निमो के पापा कहते हैं, मेरी बेटी, यह अभी सही उत्तर नहीं है। जिस दिन तुम मुझे इसका सही उत्तर दोगी मैं तुम्हें यहाँ चाबियाँ दे दूंगा। रात में उसके पिता उसे एक कहानी सुनाते हैं। एक दिन मैं और मेरा दोस्त समुद्र में चमकदार मोती देखने गए, लेकिन तूफान में मेरा दोस्त कहीं खो गया। फिर मुझे नहीं पता कि वह कहां गया। निमो अपने पिता की कहानी बड़े ध्यान से सुन रही थी। तभी उसके पिता को संदेश मिलता है कि समुद्र में तूफान है, इसलिए उसे अभी काम पर आना होगा। अब इसके बाद निमो के पिता को समुद्री तूफान में ही काम पर जाना पड़ता है। आधी रात को जब निमो सो रही थी तो उसकी आँख खुल गई, क्योंकि उनका छोटा सा द्वीप सुनामी तूफान की चपेट में आ गया था और लाइट हाउस में भी पानी था। निमो उस पानी में डुबकी लगाती है। वह अपने पिता को देखती है। जब वह उसकी ओर जाने लगती है तो एक राक्षस आता है और उसके पिता को निगल जाता है। तभी निमो की आँख खुल जाती है। इसका मतलब था कि वह सपना देख रही थी। सुबह कुछ पहरेदार निमो के पास आते हैं और वे उसे उसके पिता की मृत्यु के बारे में बताते हैं। यह सुनकर निमो टूट जाती है और वह बहुत उदास हो जाती है। एक महिला अधिकारी उसे बताती है कि उसके पिता चाहते थे कि वह उसके बाद अपने चाचा के पास जाए, लेकिन निमो इस आइलैंड पर अकेले रहना चाहती थी। अधिकारी कहता है, बेटी तुम यहाँ अकेले नहीं रह सकती, तो आपको अपने चाचा के साथ जाना होगा। अब निमो अपना सारा जरूरी सामान लेकर अपने चाचा के साथ चली जाती है। उसके चाचा बहुत अमीर आदमी थे और निमो को अपने साथ पाकर वह बहुत खुश थे, लेकिन वह नहीं जानता था कि बच्चों को कैसे रखा जाए। पिता की मौत के बाद निमो भी चुपचाप रहने लगी। रात को सोते समय जब निमो की आँख खुलती है तो वह देखती है कि उसका पसंदीदा खिलौना जिंदा था और उसका पलंग अपने पैरों पर चलकर उसे खिड़की से बाहर ले जा रहा था। फिर बिस्तर को पानी में डुबोया जाता है और उसे एक जादुई दुनिया में ले जाता है, जहाँ निमो की मुलाकात फ्लिप नाम के शख्स से होती है जिसके सिर पर दो बड़े बड़े सींग थे। फ्लिप निमो से उसके पिता के बारे में पूछता है। वह बहुत दुखी है और उसे अपने पिता की मृत्यु के बारे में बताती है। यह सुनकर उसे भी बहुत दुख होता है। वह कहता है, दरअसल मुझे तुम्हारे पापा से नक्शा चाहिए था। निमो सोच रही थी कि वह अभी भी सपना देख रही है। वह उसे अपना सपना छोड़ने के लिए कहती है। फ्लिप कहता है, ठीक है मैं चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हें वह नक्शा मुझे देना होगा जिसकी मदद से मैं चमकदार मोती पा सकता हूँ, और तुम इसकी मदद से ऐसी दुनिया में भी जा सकती हो। इसका नाम स्लम्बरलैंड है, जहाँ हर मनोकामना पूरी होती है, और वहाँ जाकर तुम अपने पिता से भी मिल सकती हो। यह सुनकर निमो खुश हो जाती है। अब फ्लिप उसे नक्शा खोजने के लिए कहकर निमो को उसकी अपनी दुनिया में भेज देता है, और निमो अपने सपनों की दुनिया से निकलकर हकीकत की दुनिया में आ जाती है। अगले दिन उसके चाचा उसे भर्ती कराने के लिए स्कूल ले जाते हैं, जहाँ उसकी मुलाकात स्कूल टीचर से होती है। वह कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं निमो की अच्छी देखभाल करूंगी। वह निमो को क्लास में ले जाती है और सभी बच्चों से मिलवाती है। वहाँ निमो की एक लड़के से दोस्ती हो जाती है, जो उसका काफी अच्छा दोस्त बन गया था। वह उसे अपने पिता के बारे में भी बताती है। रात में निमो के चाचा उसे दरवाजे का ताला खोलना सिखाते हैं। दरअसल उनका कारोबार दरवाजों के ताले बनाने का था। अब रात में निमो के खिलौने फिर से जिंदा होने लगते हैं। उसे अपने पिता का नक्शा भी मिल जाता है। अगली सुबह जब निमो स्कूल जाती है, वह अपने चाचा के फोन से अनुपस्थिति रिकॉर्ड करती है। वह स्कूल के ऐसे हिस्से में जाती है जहां जाना मना होता है। वहां पर जाकर निमो अपने कपड़े बदलती है और वहां वह अपना खिलौना लेकर सो जाती है। दोबारा सपने में जाने के बाद वो फिल्प को नक्शा दे देती है, लेकिन जैसे ही वह नक्शा हाथ में लेता है वह उसकी मदद करने से इनकार कर देता है। वह कहता है, जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन निमो वापस नहीं जाना चाहती थी। वह कहती है, कुछ भी हो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं अपने पिताजी से मिलना चाहती हूँ। फ्लिप कहता है, ठीक है तुम मेरे साथ जा सकती हो, इसके दौरान अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी।
वो बताता है कि यह नक्शा स्लम्बरलैंड का है, मैंने इसे एक पुलिस अधिकारी से चुराया था और अब तक वह अधिकारी मेरे पीछे है। वह निमो को जादुई दुनिया के बारे में भी बताता है जहां चमकते मोती है। अब ये दोनों उस जादुई दुनिया में पहुंच चुके थे जहां फ्लिप पहुंचकर उसे जादुई दुनिया के कुछ सिद्धांत बताता है। वह उसे सलाह देता है कि वह किसी के सपनों में दखल न दे और न ही किसी की आंखों में देखना है। अगर यहाँ की पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी तो हमेशा के लिए कैद कर देगी। अब वे दोनों ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पत्तों से बने लोग थे। वहाँ डांस पार्टी चल रही थी। वहाँ एक और लड़की थी जो बहुत अच्छा डांस कर रही थी। वह लड़की भी अपने सपनों में थी क्योंकि ये सपनों की दुनिया थी और यहाँ सब अपने सपनों का आनंद ले रहे थे। उसी स्थान पर पुलिस अधिकारी आता है जो अभी भी फ्लिप के पीछे था, जिसके बारे में उन्होंने निमो को भी बताया था। इससे पहले वह फ्लिप को गिरफ्तार करता, तभी वहाँ पर वह राक्षस आ जाता है जिसे निमो ने सपने में देखा था, लेकिन किसी तरह फ्लिप उसे बचा लेता है। वह निमो को बचाकर दूसरी जगह ले जाता है और कहता है, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारे सपने के कारण ही वह राक्षस यहाँ आया है। तब निमो को कुछ महसूस होने लगता है और वह सपनों की दुनिया से गायब हो जाती है और वास्तविक दुनिया में आ जाती है। उसे नींद से जगा दिया गया है। उसके चाचा अब उसे स्कूल से लेने आते हैं। उसके चाचा उसे अपने साथ ले जाते हैं और उसे एक नाव उपहार में देते हैं, लेकिन वह कहती है, मुझे यह नहीं चाहिए, आप इसे अपने पास रख लें। वह इसे लेने से इनकार कर देती है। रात में उसके चाचा ने उसे बताया, तुम्हारे पिता की मौत के कारण तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं हुई है, तुम्हें अभी भी अपनी जिंदगी को जीना होगा। लेकिन नीमो अभी तक अपने पिता की मौत के सदमे से बाहर नहीं आई थी। जब वह सोने जाती है तो उसे नींद भी नहीं आती। उसके चाचा उसके पास आते हैं और उसे एक कहानी सुनाते हैं। कहानी सुनते ही निमो सो जाती है और फिर वह अपने सपनों की दुनिया में चली जाती है जहां फ्लिप अब उससे उसके पिता का नक्शा लेता है और कहता है, अब तुम यहां से अपने घर जाओ। निमो कहती है, मैं यहां से नहीं जाऊंगी, मेरा कोई घर नहीं है, मुझे बस अपने पापा से मिलना है। फ्लिप कहता है, तुम अभी भी डरी हुई हो और बुरे सपनों ने तुम्हारा अभी भी पीछा नहीं छोड़ा है। लेकिन निमो अपनी यात्रा जारी रखना चाहती थी। वह फ्लिप से पूछती है, आप वास्तविक दुनिया में क्या हैं? जिस पर वह कहते हैं, मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ और वास्तविक दुनिया में मैं अभी तक जागा भी नहीं हूँ। अब वे यहाँ से आगे जाने के लिए एक ट्रक में सवार हो जाते हैं क्योंकि अभी भी वह पुलिस अधिकारी उनका पीछा कर रही थी। वे ट्रक की अगली सीट पर बैठते हैं, तभी वे देखते हैं कि उस ट्रक को एक छोटा बच्चा चला रहा था। वह बच्चा उस ट्रक को नहीं संभाल सका, वे सब पानी में गिर गए। ये लोग अधिकारी से बचते हैं लेकिन अब वे डूब रहे थे। किसी तरह वे खुद को बचाते हैं और बाथरूम के रास्ते से भाग निकले। फ्लिप और निमो इस एडवेंचर में खूब मस्ती कर रहे थे, लेकिन यहाँ वो पुलिस अधिकारी पहुँच जाती है और उन दोनों को गोली मार देती है जिससे वो मरते नहीं बल्कि स्लो हो जाते हैं। पुलिस अधिकारी फ्लिप से कहती है कि मेरी उम्र 116 साल है, मुझे भी अब रिटायर हो जाना चाहिए, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं इस सपनों की दुनिया में फंस गई हूँ। वह उससे नक्शा मांगती है जो फ्लिप के पास नहीं था। पुलिस अधिकारी उससे कहती है, तुम यह सब कर रहे हो क्योंकि असल दुनिया में कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता, इसलिए तुम नींद से नहीं उठते। वह अब दोनों को जेल में बंद कर देती है। अधिकारी के जाने के बाद फ्लिप निमो से कहता है कि वह सच कह रही है, लेकिन अब मैं भी जागना चाहता हूँ, लेकिन मैं भूल गया हूँ कि मैं कौन हूँ। लेकिन कौन जानता है, शायद स्लम्बरलैंड जाने के बाद मुझे सब कुछ याद आ सकता है। इसके बाद पुलिस अधिकारी फिर से जेल आती है और निमो को अपने साथ ले जाती है और निमो से कहती है, तुम्हारे पास पास दो रास्ते हैं, या तो आप अपनी दुनिया में वापस जाएं या फ्लिप के साथ हमेशा के लिए जेल में रहें। जिस पर निमो उससे से कहती है, मैं सिर्फ अपने पापा से मिलना चाहती हूँ। जिस पर वे पुलिस अधिकारी कहती है, आपको अब आगे बढ़ना होगा, आपको अपनी वास्तविक दुनिया में जागना होगा, नहीं तो ये बुरे सपने आपका पीछा करते रहेंगे। और उसके बाद निमो असली दुनिया में जाग जाती है। वह अपने चाचा के पास जाती है और रोते हुए उससे कहती है, मुझे अपने पिताजी की याद आ रही है। तो उसके चाचा उसे एक वीडियो दिखाते हैं। निमो देखती है कि उसके अंकल ने उस वीडियो में वही कपड़े पहने हैं जो सपने में फ्लिप ने पहने थे। उसके चाचा उसे बताते हैं, मैं बचपन में बहुत शर्मीला था, जब मैं और तुम्हारे पापा खेला करते थे तो मैं किसी भी तरह के कपड़े पहन लेता था, और फिर तुम्हारे पापा की लाइफ में आपकी मॉम आई, इसलिए वे दुनिया घूमने निकल पड़े और मैं अकेला रह गया, बिल्कुल अकेला।
कहते कहते वह बहुत दुखी हो जाते हैं। निमो उससे कहती है, मेरे पापा मुझे रात भर तुम्हारी कहानी सुनाया करते थे। अगली सुबह जब वह स्कूल जाती है, निमो स्कूल के उसी स्थान पर जाती है। निमो सो जाती है और वह फिर से अपने सपनों की दुनिया में जाग जाती है। उसके चाचा द्वारा दी गई चाबी के साथ वह फ्लिप की जेल का ताला खोलती है और उसे अपने साथ बाहर ले आती है। जब वह उसे यहाँ से ले जा रही थी, पुलिस अधिकारी उन्हें फिर से देखती है, लेकिन इस बार निमो ने उसे अपनी बंदूक से टाइम लूप में फंसा लेती है। फ्लिप उसके साथ एक तस्वीर भी बनाता है। इसके बाद ये लोग बर्फीली जगह पर आ गए थे, लेकिन अधिकारी भी यहाँ पहुँच जाती है। वह अब भी उनका पीछा कर रही थी। उससे बचने के लिए वे ऊंचाई से छलांग लगाते हैं और बड़े बड़े पक्षियों पर बैठ जाते हैं और वहाँ से सीधा एक छोटे से घर में पहुँचते हैं और फिर सीधा लाइट हाउस में। और वहाँ पहुँचकर निमो फ्लिप से कहती है, मैं जानती हूँ तुम कौन हो, तुम मेरे अंकल फ्लिप हो। और तभी अचानक उसे असल दुनिया में उसकी टीचर उसे जगा देती है। अब उसकी टीचर उसके अंकल को स्कूल बुलाती है और निमो से पूछती है, तुम स्कूल की उस जगह पर क्या कर रही थी जहां पर किसी का भी जाना मना है। लेकिन निमो कुछ नहीं बोलती। अब इस बात से उसके अंकल निमो से काफी ज्यादा नाराज थे और वो निमो से कहते हैं, मैं सोच रहा था तुम स्कूल जाकर अच्छे दोस्त बनाओगी, पर तुम तो वहां पर पढ़ने ही नहीं जाती थी और तुम सबसे झूठ बोल रही थी। उस रात बहुत तेज बरसात हो रही थी और अब निमो गुस्से में अपने अंकल की दी हुई कश्ती में बैठकर यहाँ से निकल जाती है और वो अपने उसी लाइट हाउस में जा रही थी जिसमें वो कहानी की शुरुआत में अपने पिता के साथ रहती थी। समुन्दर में काफी तूफान होता है जिससे डरकर वो कश्ती में ही सो जाती है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को समुन्दर में पाती है। अब जैसा कि उसके पिता ने उसे बताया था कि समुन्दर के नीचे एक बहुत बड़ा सुराख है और वो उसी सुराख की तरफ बढ़ चलती है। उधर सपनों के फ्लिप को भी ये पता चल जाता है कि छोटी प्रिंसेस ख्वाबों के समुन्दर में गई है और वे उस मोतियों को ढूंढ लेती है जिसके बारे में उसे फ्लिप ने बताया था। और तभी उसकी तरफ एक मॉन्स्टर बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर फ्लिप आ जाता है और नीमो को बचा लेता है। लेकिन वो मॉन्स्टर इनका पीछा नहीं छोड़ता और इनकी प्लेन पर हमला कर देता है जिससे इनका प्लेन क्रैश हो जाता है। और अब वो मॉन्स्टर सपनों की दुनिया में सबको मार रहा था और जितने भी लोग सपनों की दुनिया में थे अब धीरे धीरे सब के सब अपने अपने सपनों से जागने लगते हैं। और उधर निमो के अंकल भी उसे समुन्दर में ढूंढ रहे थे। अब सपनों की दुनिया में सलम्बरलैंड पहुँचने से पहले निमो की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि असल दुनिया में वो जिस कश्ती पर थी वो अब पानी में डूब रही थी। उसके हाथ से अब वो मोती भी गिर जाता है और सपनों की दुनिया में वो मॉन्स्टर आकर फ्लिप को पकड़ लेता है। और जब सपनों की दुनिया में फ्लिप को वो मॉन्स्टर मार देता है तो असल दुनिया के फ्लिप को न जाने क्या होता है और वो निमो को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। और उधर सपनों की दुनिया में जब वो मॉन्स्टर गायब हो जाता है तो वो पुलिस अधिकारी निमो के पास आती है और निमो के हाथ में वो मोती देखकर कहती है, जैसे सपने तुम्हें लोग दिखाते हैं तुम वैसे ही सपने देख लेती हो जिसके पीछे कोई भी सच्चाई नहीं है। और तभी निमो खुद को लाइट हाउस के पास पाती है और यहाँ पर वो अपने डैड को देखती है और उन्हें देखकर वो बहुत इमोशन हो जाती है और भागकर अपने डैड के गले लग जाती है। और इसके बाद ये दोनों उस लाइट हाउस की ऊंचाई पर जाकर खूब मजे करते हैं। और इधर असल दुनिया में भी निमो अपने अंकल को बेहोशी की हालत में मिलती है और वो उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और सपनों की दुनिया में निमो के डैड उसे समझाते हैं कि तुमने अकेले ही इस सफर को पूरा किया है और असल दुनिया में भी तुम्हें अकेले ही जिंदगी के इस सफर को पूरा करना होगा और असल दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है मेरी बेटी, और तुम किसी भी कीमत पर उस दुनिया को नहीं छोड़ोगी। और तभी असल दुनिया में निमो को होश आ जाता है और उसके अंकल निमो को गले से लगा लेते हैं और कहते हैं, अब मैं तुम्हें कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा। इससे अगले दिन हम निमो को देखते हैं जिसने अब स्कूल में बहुत से दोस्त बना लिए थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली मूवी में, तब तक के लिए गुड बाय।